आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा कॉलेज की लॉ फैकल्टी में बनी लाइब्रेरी कई वर्षों पुरानी है। जितनी पुरानी लाइब्रेरी है उतनी पुरानी लाइब्रेरी में किताबें भी हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिलेबस में लगातार बदलाव हो रहे हैं जिससे संबंधित किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। कई बार आगरा कॉलेज प्रशासन को लिखित में जानकारी दी गई, फिर भी नई किताबें अभी तक लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। आगरा कॉलेज की लॉ फैकल्टी में हर साल 300 बच्चे यहाँ पर जो है अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, चाहे वो BLLB हो चाहे LLB हो, हर साल 300-300 उसमें आते हैं। करीब 600 बच्चे हर साल अपना भविष्य बनाने के लिए आगरा कॉलेज की लॉ फैकल्टी आते हैं, पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी वो लाइब्रेरी जाते हैं उनका कहना है कि काफ़ी सालों से मतलब करीब 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, यहाँ पर नई किताबें नहीं आ पाई हैं। बच्चों को काफ़ी मुश्किल के साथ बुक मिल पाती हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको पैसे का अभाव होता है, वो ना तो वो बाहर से बुक्स खरीद पाते हैं ना ही जो लाइब्रेरी में वो बुक अभी उपलब्ध हैं। आज ऐसे ही कुछ छात्रों से हम बात करेंगे कि क्या स्थिति। अच्छा, आपका नाम बताएं, कौन सी क्लास से आप? कुशाग्र यादव। कौन सी क्लास? फोर्थ ईयर। अच्छा, 4 साल आपको यहाँ पर बीत चुके हैं, तो क्या मतलब किताबों की क्या स्थिति है? स्थिति तो इस प्रकार है कि हम जब अलॉट कराते हैं अपनी बुक्स तो वो इतनी पुरानी होती हैं या फिर फट चुकी होती हैं आदि, तो और क्या कहते हैं, आप जानती हैं लोगों की किताबें इतनी महंगी आती मार्केट में, अगर एक ईयर की लेंगे तो कम से कम 6,000 रुपये अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, इतने रुपए की आएगी। और यहाँ से जब अलॉट कराते हैं दो मिलती हैं इशू, एक कार्ड पे दो इशू होती हैं, मतलब एक ही दो कार्ड मिलते हैं, दो इशू होंगी एक विद्यार्थी को, उसमें भी किताबें 2000 एडिशन होंगी, 2001 एडिशन होंगी, और किताबों की हालत ऐसी हो चुकी है मतलब अब कबूतर ही रहते हैं इसमें, किताबें कम है कबूतर ज़्यादा हैं। अच्छा, ये बताएं, जब किताबें यहाँ पे इशू कराने के लिए आते हैं तो क्या क्या लगता है आपको, तुरंत इशू हो जाती किताबें या फिर वो क्या आपके काम की किताबें हैं क्या? वो काम की किताबें इसमें बहुत ही ज़्यादा कम हैं और वैसी किताब ज़्यादा हैं जो हमारी काम की नहीं है, मतलब और बहुत ही ज़्यादा पुरानी सन की किताबें हैं जो उसमें ना कि हमारा सिलेबस है उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा पुरानी नई किताब इशू हो नहीं रही है हमारे। नहीं तो लाइब्रेरी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से लाइब्रेरी है, तो कभी कहा आपने किसी फैकल्टी से यहाँ पर? नहीं, एक दो बार नोटिस भी दिया है लेकिन उसकी कोई वो नहीं हुई है। एक्चुअली हम लोग बताते हैं कि सर हमारे पास है नहीं, बताते हैं हम कि हमारे पास वो नहीं है, तो सर ने भी बोला था कि आप ऐसे वो करके बोलना उनसे वहाँ पर कॉलेज में, तो वो करवाएंगे, और ये है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये किताब आ जाएंगी तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, पढ़ाई जल्दी होगी थोड़ी हमारी। अच्छा, आप बताएं, आप कौन सी क्लास में भैया? और क्या BLLB फोर्थ ईयर से हूँ। यहाँ रीडिंग रूम नहीं है, रीडिंग रूम बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ आते हैं लाइब्रेरी में तो उनको अपनी बुक से नहीं पढ़ सकते, लाइब्रेरी की बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन रीडिंग रूम भी होना चाहिए, दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, पीरियड नहीं लगते तो रीडिंग रूम में बैठ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में कहते हैं कि शांत वातावरण होना चाहिए, साफ़ सुथरा हो जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? नहीं नहीं, वातावरण तो साफ है उससे, लेकिन बैठने नहीं देते हैं, अपनी बुक से लेके पढ़ने नहीं देते हैं, लाइब्रेरी की बुक से पढ़ सकते हैं वरना बाहर जाइए। अच्छा, आपका क्या कहना है, मतलब किस तरह यहाँ का माहौल है? जो ये है कि अमेंडमेंट हो चुका है हमारा लॉ, और किताबें हैं पुरानी और नई किताबें नहीं हैं, पुरानी किताबें से पढ़ना पड़ रहा है, लॉ अमेंडमेंट हो गया है 2013 के बाद, 18 के बाद, तो वो पुरानी किताबें चल रही हैं 2010 की, 2009 की। इसका मतलब लाइब्रेरी तो फिर ख़राब है आप लोगों के लिए जिस हिसाब से? नहीं नहीं, किताबें जब नहीं हैं तो फिर ख़राब तो है, बदलनी चाहिए किताबें, ना सारी पुरानी हैं फटी हुई मिल रही। प्रिंसिपल से या कभी किसी से आपने कहा कि भाई इस तरह का? कही है, नोटिस दिया है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, आप बताएं भैया क्या 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 स्थिति है लाइब्रेरी की? लाइब्रेरी की यही है, इन भैया ने बताया जो, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है। देखो यहाँ के कॉलेज के टीचर तो अच्छे हैं, लेकिन मेन कैंपस में जाओ आप शिकायत करने तो वहाँ कोई सुनता नहीं है आपकी, तो मैं इन टीचरों की तो बुराई नहीं कर सकता, मेन कैंपस में दो दिक्कत है मेन कैंपस में। तो लाइब्रेरी कैसे फिर पढ़ाई पूरी करते हैं, मतलब बहुत से बच्चे तो यहाँ पर ऐसे भी होंगे, नहीं नहीं बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो मतलब नहीं, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे इशू करेंगे? आप तो शायद किताब खरीद लें, पर जो और बच्चे वो कैसे खरीदेंगे? किताबें तो हैं, ऐसी बात नहीं है किताबें नहीं है, लेकिन जो नई अडमेंट हुआ है वो नहीं है इसमें, लेकिन वो है कि अब टीचरों से कहा है तो वो लाएंगे नया भाई। लॉ तो बदल लॉ के छात्रों का अक्सर यही कहना है कि जो बुक्स हैं यहाँ पर जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं वो 2000-2001 की किताबें हैं, और जो अब जो चल रहा है वो 2022 चल रहा है, क्योंकि जो 20-22 साल का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा गैप है, उसमें जो अब जो नया सिलेबस आता है उनमें वह जो क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, और अन्यथा उनको फिर बाहर से ही बुक्स खरीदनी पड़ती हैं। कैमरा मैन अनु बगल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।